नमस्कार, मैं हूं जोगिंद्र पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अब वक्त हो गया है पब्लिक इंटरेस्ट का। आज का पहला परीक्षण दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दिल्ली सरकार, एमसीडी और दिल्ली पुलिस को पड़ी हाईकोर्ट की झाड़ का होगा। जो सवाल पटियाल पिछले 3 दिन से पूछ रहा है वही आज हाईकोर्ट में पूछे गए। राजेंद्र नगर के एनक्रोचमेंट में किसकी भूमिका थी, आखिर किसकी शह पर यह हुआ, जांच में पुलिस ने एमसीडी के कितने अधिकारियों को जेल भेजा, दिल्ली में सरकार कैसे चल रही है, क्या हाईकोर्ट कोचिंग सेंटर के मामले की जांच सीबीआई को देगा, ये जानने के लिए पटियाल के साथ आप बने रहिए। आज का दूसरा परीक्षण केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की उस चिट्ठी का करूंगा जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से पब्लिक बीमा के 18% जीएसटी को हटाने की मांग रखी गई है। हमारे देश में हेल्थ और इंश्योरेंस का पूरा कितना कारोबार है, इस पर जीएसटी से सालाना सरकार को कितनी आमदन होती है, क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन नितिन गडकरी की बात मानेंगी। वैसे राहुल गांधी ने संसद में मेंटेनेंस के नाम पर राष्ट्रीय बैंकों ने ग्राहकों से जो 8,500 करोड़ रुपए 5 साल में वसूल किए हैं उस पर भी सवाल उठाया है। इसका जवाब जानने के लिए रात 9:25 तक पटियाल के साथ बने रहिए। तीसरा परीक्षण हमास चीफ के अंत का होगा। ईरान की राजधानी तेहरान में कैसे मारा गया इस्माइल हानिया, कौन था ये इस्माइल हानिया और कैसे चलाता था हमास का पूरा नेटवर्क, इजराइल के इस स्ट्राइक से क्या मध्य एशिया में युद्ध की संभावनाएं बढ़ेंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।